हलचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दबा रेस्ट्रो। सोशल मीडिया पर एलविश यादव को टारगेट किया जा रहा है, एलविश यादव को निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि एलविश यादव मुनव्वर फारूकी के साथ जाकर गले मिल गए। अब मुनव्वर फारूकी के साथ वो गले मिले ये सही है या गलत है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो लोग एलविश यादव के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, जो लोग एलविश यादव के खिलाफ हैशटैग चला रहे हैं, शेम ऑन एलविश यादव देशद्रोही, एलविश यादव रामद्रोही, इस तरीके की जो चीजें लिख रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो रैंडम सेना। अब रैंडम सेना को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप देखिए एलविश यादव जब बिग बॉस में था आपने वीडियो बनाया, एलविश यादव पर केस लगे तब आपने वीडियो बनाया, लेकिन एक बार फिर से जब एलविश यादव को निशाने पर लिया जा रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रही हैं। क्या सच में एलविश यादव गलत है इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रही है? तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है पूरा मामला। रैंडम सेना नाम का एक जो पेज है और सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो करता है, जो लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं उनको उस अकाउंट को हटवाता है और फिर वो कार्रवाई करवाता है। और ये कैसे उसने किया है, वो ऐसे एलविश यादव जैसे लोगों का समर्थन पाकर ही उसने किया है। तमाम लोगों को उसने अपने साथ जोड़ा और फिर एलविश यादव जैसे लोगों से माफी मंगवाकर वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है और फिर पावर गेन करना चाहता है। और उसके बाद महिला विरोधी जो उसकी सोच है वो भी वो अपने पेज पर दर्शा चुका है और एक घटिया किस्म का इंसान है। आगे उसकी क्या सच्चाई है उस पर विस्तार से बात करेंगे और इस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि ये हवा बनाने की कोशिश में था। इससे पहले जब पोज एक ऐसे एलविश यादव ने अपने किसी गाने में उर्वशी रौतेला के साथ किया था तब भी इसने इस तरीके से एलविश यादव पर टारगेट किया था। हाँ, एलविश यादव ने गलत किया तो उसने माफी भी मांग ली थी। अब एक बार फिर से मुनव्वर फारूकी को लेकर ये एलविश यादव से माफी मांगने के लिए कह रहा था। एलविश यादव ने इसकी सही और असली औकात इसे दिखा दी तो इसे मिर्ची लग गई। अब इसने क्या किया, इसके जो मेंबर्स हैं या जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं या वोटर बोल सकते हैं जिसको इसने ऐसे ऐसे झूठ परोस परोस कर और अपने आप को तुर्रम खान दिखाकर उसने अपने समर्थन में लाया है, उन लोगों से ये बोल रहा है कि चलिए ठीक है आप हैशटैग चलाइए, एलविश यादव ने ये कर दिया, एलविश यादव ने वो कर दिया। एलविश यादव ने क्या गलत किया है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। लेकिन रैंडम सेना जो कर रहा है क्या वो सही है या गलत, इस पर चर्चा कर लेते हैं। रैंडम सेना पूरी तरीके से गलत है। रैंडम सेना हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। रैंडम सेना कभी जाटों को लेकर तो कभी राजपूतों को लेकर तमाम तरह की चीजें जो है वो कर रहा है। जब आप जातियों को ऐसे, ठीक है मैं राजपूत हूं, आप जाट हैं, आप यादव हैं या कोई भी जो जातियां हैं, आप अपने आप पर प्राउड फील करिए, लेकिन जब बात किसी हिंदू की आती है तो आपको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, आप एलविश यादव के खिलाफ एक कैंपेन चलाने के लिए आप हर किसी को गाली देते फिर रहे हैं। महिला विरोधी जो आपकी सोच है वो भी दिखाई दे रही है। आपकी जो भाषा है वो बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच किस्म की है। अब ऐसे में बहुत सारे और भी लोग समर्थन कर रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी के नेता ऋचा राजपूत और साध्वी प्राची जैसे जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं वो लोग भी एलविश यादव को टारगेट कर रहे हैं, देशद्रोही और रामद्रोही बता रहे, तमाम तरह की चीजें लिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर जो इस वक्त भ्रष्टाचार है और जो बीजेपी के अंदर गंदगी है उस पर कभी वो चर्चा नहीं करते। बीजेपी तमाम दूसरे दलों के जितने भी घटिया किस्म के लोग थे उन लोगों को वो आज लाकर टिकट दे रही है, किसी को राज्यसभा भेज रही है तो किसी को उपमुख्यमंत्री तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन उसका विरोध करने का इनके अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी रोजी रोटी यहीं से चल रही है। अगर इसका ये विरोध करेंगे तो फिर पापा को ये फिर से प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाएंगे, और जब पापा नाराज हो जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इसीलिए जो पापा जी करें वो सही है, पापा जी करें तो मास्टर स्ट्रोक, एलविश यादव ने कर दिया तो वो गलत है। पापा जी करें तो पसमानदाओं को खुश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में वो वोट देंगे, लेकिन उसी पसमानदाओं में पत्थरबाज भी हैं, उसी पसमानदाओं पर जिस पर आप तमाम तरह के आरोप लगाते हैं वो भी हैं। अगर इतनी ही हिम्मत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी के साथ गले मिलकर उन्होंने गलत कर लिया है, तो मुनव्वर फारूकी जो है अपने ही देश का नागरिक है, अगर उसने कुछ गलत किया, और हाँ बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं कि मुनव्वर फारूकी ने जो कहा था वो सही था, मुनव्वर फारूकी ने जो कुछ भी किया वो गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा, मां सीता को लेकर जो भी उसने बोला। वही 57 देश जो नुपुर शर्मा के मामले पर आंखें तरेर कर खड़े हो गए थे उन्हीं से आप प्रोजेक्ट पर डील कर रहे हैं, पीएम मोदी को वो अवार्ड दे रहे हैं, पीएम मोदी जाकर मिल रहे हैं, तब सब कुछ चंगा सी, सब कुछ भला सी, तब तो मास्टर स्ट्रोक सी। लेकिन एलविश यादव के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचना है जस्ट बिकॉज रैंडम सेना एक घटिया किस्म का इंसान जो पेज चला रहा है, जो अभी महिलाओं के लिए स्टैंड लेने के लिए खड़ा नहीं होता, जिसको अपना नैरेटिव सेट करना है, लोगों को झूठ बोल बोल कर जिसने अपना पेज खड़ा किया उसके समर्थन में आप 72 ट्वीट कर देंगे।
और तमाम और भी लोग मैं देख रही हूँ कि कैसे एल्विश के खिलाफ एक तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एल्विश ने गुनाह क्या किया है, सफाई तो पेश कर दी, और क्यों बार बार माफी मांगे? और आपके कहने पर आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करने वाले होते कौन हो? हर चीज को आप डिसाइड करेंगे। कृपा शंकर पर वीडियो बनाओ ना, जिन्होंने 26/11 का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बचाया, जिसने कसाब को बचाया उसको बीजेपी टिकट दे रही है, जिसके दाऊद से रिश्ते हैं, और ये मैं नहीं बल्कि बीजेपी कह रही थी, एनसीपी, उसके साथ बीजेपी सरकार चलाए, उसको उप मुख्यमंत्री बनाए, तमाम भ्रष्टाचारी उनको मुख्यमंत्री और राज्यसभा भेजे, तब वो सब कुछ सही है, तब ऋचा राजपूत को याद नहीं आती, तब ऋचा राजपूत को दरी बिछाने का ही काम याद रहता है, तब नहीं याद रहता है कि इसका भी विरोध करना है। महिला पहलवानों के हित में तो एक बात भी नहीं की होगी, क्योंकि वहां ब्रिजभूषण का मामला था, वहां पर तो अपने नेता को सपोर्ट करना था। अब ये ऋचा राजपूत और तमाम लोग इसीलिए एलविश यादव का बहिष्कार कर रहे हैं, या एलविश यादव के खिलाफ ये हैशटैग चला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने से या उसका समर्थन करने से एलविश ने मना कर दिया होगा, या किसी एजेंडे में वो फिट नहीं बैठ रहा होगा, तभी ये सारा कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन यही लोग इन सब चीजों को भूल जाते हैं कि देखिए, आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, आप बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, जो भी पैसे मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा लाख दो लाख मिल गए होंगे, या फिर आपको 20-30-40-50 करोड़ मिल रहे होंगे, जो भी हैं लोग, ये करोड़ रुपए आप अपनी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। ना तो आप पढ़ लिख पा रहे हैं, ना आपको सच और गलत का अंदाजा लग पा रहा है, आपको कुछ देखने का एक तरीके से सेंस ही नहीं है, तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जा रही है सिर्फ इसी में। आप दरी बिछाती रह जाएंगी और अनुराग ठाकुर, शहनाज गिल जैसे लोगों को संसद घुमाएंगे तो आपको बड़ा नेता नहीं बनाएंगे, फिर हेमा मालिनी जैसी आएंगी नाच गाकर, उन्हें टिकट देंगे और वो चुनाव जीत कर चली जाएंगी, तो आप दरी बिछाती रह जाएंगी। तो आप अपना भविष्य संवारिए, आप अपनी चीजें देखिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, क्यों आप इतना हेट फैला रहे हैं? एल्विश यादव ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, एल्विश यादव ने किया क्या है? कोई गलत नहीं किया है, सफाई भी उसने दे दी है, बार बार आप उससे माफी मंगवाने वाले कौन होते हो? रैंडम से ना कौन हो तुम? कमेंट करके बताइएगा है ये कौन। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और असहमत हैं तो कमेंट करके बताएं। देखो एक चीज मुझे ना क्लियर करनी है यार, मजाक से हटके ना सारे जने सुनना एक बारी भाई की बात। अभी जैसे ही मैच खत्म हुआ तो मैंने देखा मुनावर को लेके भी कि भाई तुम तो ऐसे सपोर्ट करते थे, कई अपने भाई हैं वो भी गाड़ी गलौच करते बताए कि इसने ये कर दिया वो कर दिया। पर मेरे हिसाब से ना भाई, ये देखो ये चीजें गलत है। अब तुम क्या चाहते हो, मैं वहां पे क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं कि किसी से बातचीत नहीं दूर दूर से? भाई चैरिटी मैच था वो। अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे कर दिया, ये तो एनिमी कंट्री है। तो जब आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफी चीजें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड निकालने आए कि भाई नफरत हो गई, इसने ये बोल रखा, उसने वो बोल रखा। अब 10 चीजें उसके दिमाग में भी होंगी जो उसको मेरी पसंद नहीं होंगी, 1000 चीजें उसकी भी होंगी जो मुझे पसंद नहीं होंगी। बट ऐसे थोड़ी ना कि दुश्मनी दिखाऊं, वहां कुश्ती करने लग जाऊं, गाली बक दूं उसको, मारपीट मचा दूं उसके साथ, या फिर कुछ गलत सलत कह दूं। भाई सामने वाला बंदा प्यार से बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि अपने को ऐसे रूड होना चाहिए या फिर खराब होना चाहिए। वहां पे साथ में गौरव तनेजा भाई भी थे, सब थे, तो मेरे को बड़ी गलत चीज लगी कि पहले तो वो वाला कार्ड आ गया कि भाई ये तो हिंदू बनता था, अब देखो इस हिंदू को ये हो गया। अब किसी से मिलने से, किसी से दो बात आराम से करने से, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हिंदू होने पे कोई फर्क पड़ता, या फिर मैंने किसी को ठेका दे दिया कि भाई तू बता मेरे को कि मैं हिंदू हूँ या फिर मैं नकली हिंदू हूँ असली हिंदू इस चीज का। तो बड़ी गलत चीज लगी मेरे को। ऊपर से सुबह सुबह कई रिकॉर्डिंग भी सुनी मैंने स्पेस वगैरह की, मैं सो रहा था सुबह उठा मैं कि ऐसे ऐसे भाई गलत गलत तुमने ये करा वो करा, गाली गलौज चल रही है उसमें, तो बहुत गंदी गंदी गाली चल रही है। तो मैं एक चीज़ एग्जांपल के थ्रू आप सब लोगों को बताऊंगा कि सपोज कटारिया है, कटारिया को मैं अपना भाई मानता हूँ, कटारिया कोई ऐसी चीज़ करेगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगी फॉर एग्जांपल, तो मैं दुनिया भर में बैठ के ढिंडोरा थोड़ी पीटूंगा कि कटारिया को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के फैन क्लब्स को गाली बकने लग जाऊं, कटारिया के लोगों को गाली बकने लग जाऊं जस्ट बिकॉज मेरे को उसकी वो चीज़ पसंद नहीं आई। एक साइड आप बोलते हो कि भाई भाईचारा हम रखते हैं, हम बहुत बढ़िया भाई हैं, दूसरी साइड पूरी दुनिया के आगे गाली गलौज चल रही है।
ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। ऑब्वियसली बात है कि इसको ही अच्छा लगेगा। तो एक तो ये चीज थी, बाकी भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रहने में ज्यादा भलाई है। अब सपोज मैं आउट हो गया एक रन पर, मैं तो उसमें भी मजा आ रहा था मुझे, मैंने ऐसी बॉल डाली मेरे, उसमें भी मजा आ रहा था कि कोई बात नहीं। मुनावर को आउट करा मैं, वो भी कर सकता था भाई, वहां पे प्रदर्शन कर सकता, ओ ले ये कर दिया मैंने तो वो कर दिया, बट इट्स ओके भाई। वहां पे सचिन पाजी ने आमिर को खिलाया, वहां पे सचिन पाजी ने सूर्या जो साउथ का एक्टर है उसको 3 बारी छोड़ा। प्यार मोहब्बत से चीजें चल रही है वहां पे भाई, क्यों अपनी पर्सनल हेटरेड या फिर अपने आइडियोलॉजी को बीच में लेके आए जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो, आप किसी फील्ड पे हो जहाँ पे सिनेरियो ही अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत करा या फिर ऐसा कर दिया कि जिससे सारे लोग अगेंस्ट हो जाए मेरे और मेरे को उल्टा सीधा बोलने लग जाएगी तू तो ऐसा हो गया, चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मैं अभी भी वैसे ही हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लियर करनी थी। और पूरी एल्विश आर्मी और जितने लोग मैंने देखा कि जितना सपोर्ट कर रहा हूँ, उन सभी लोगों को थैंक यू बोलने बोलने का मन था मेरा, और बोल भी रहा हूँ मैं कि आप लोग इतने समझते हो मेरे को कि भाई तुम खुश हो एलविश भाई तो हम खुश हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जेस्चर। और जितने भी लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे उनको भी बोल रहे थे कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, नेगेटिविटी से नेगेटिविटी फैलाने लग रहे हो, उल्टे सीधे मीम बन रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी।